माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बड़ी है, इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। 18वीं लोकसभा हमारे रचनात्मक चिंतन एवं नूतन विचार की सभा होनी चाहिए, जिसमें उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित हो, पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति हो, देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्प काम करें। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर मेरे पूर्वतः पीठासीन अधिकारी को भी स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता से इस सदन की दक्षता को, इसकी मर्यादा को, इसकी परंपरा को, इसकी गरिमा को प्रतिष्ठा देने का
पूरा प्रयास किया। मुझे भी 5 वर्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में ये गौरव प्राप्त हुआ। मैंने कोशिश की कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। मुझे खुशी है कि सदन की प्रोडक्टिविटी भी उच्चतम रही और संसदीय परंपराओं और परपाटियों का भी हमने उच्च प्रतिमान स्थापित किया। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर शेष संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। माननीय सदस्यगण, संसद के इस नए भवन में कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए, ऐतिहासिक निर्णय भी हुए जिसका वर्षों तक हम इंतजार कर रहे थे। महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक वो पारित हुआ और हमने उसको नेतृत्व में भागीदारी देने का निर्णय किया। उसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। ये वर्ष हमारे संविधान निर्माण की यात्रा का 75 वर्ष है। मैं संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले उन सभी मनीषियों को नमन करता हूं जिन्होंने दलगत भावनाओं से, निजी विचारधाराओं से ऊपर उठकर प्रत्येक बिंदु पर गहन अध्ययन, विचार विमर्श, चर्चा संवाद कर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शक है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्रहित में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस दशक के अंदर संविधान दिवस मनाने की श्रेष्ठ परंपरा शुरू हुई। संविधान पर चर्चा हुई, डिबेट हुई और साथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों में सभी राज्य के पीठासीन अधिकारियों को कहा कि वह अपने अपने राज्य में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संविधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। सभी पक्षों के विचार यहां पर आने चाहिए। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधारा से चुनकर आते हैं लेकिन विचारधाराओं के बाद भी देश सबसे सर्वोपरि है। मुझे आशा है कि अपने अपने दल की विचारधारा और जिन मुद्दों पर असहमति होगी आप जोर से असहमति व्यक्त करेंगे। जहां पर आपको विधेयक पर सकारात्मक रूप से चर्चा करते समय सुझाव देंगे, सरकार से भी अपेक्षा रहेगी मेरी
कि उन सुझावों को शामिल करें। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं। एक दल का व्यक्ति हो उसको भी पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और मैंने कोशिश की पिछले कार्यकाल में कि पहले सत्र में सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। जो माननीय सदस्य नहीं बोलना चाहते थे उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहां पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं, इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेल में आना सदन की परंपरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा। मैं कभी माननीय सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब भी ये चाहते हैं कि सदन की उच्च कोटि परंपरा प्रपाटियां लागू रहे, इसके लिए मुझे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरी इस 18वीं लोकसभा में अपेक्षा रहेगी कि हम सब लोग बहुत अच्छा संवाद करें, उच्च कोटि की संवाद करें, चर्चा करें। जैसा इस सदन की परंपरा रही है कि यहाँ पर उच्च कोटि की संवाद चर्चा हुई है, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी तरीके की चर्चा संवाद हो, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधामोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी पुलिस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोकसभा के महासचिव, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं जो विचार आपने व्यक्त किए हैं, हम सब मिलकर इस 18वीं लोकसभा की सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।